एवरीवन, मैं हूं अलीशा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एलीस वंडरलैंड में। आज मैं बनाने जा रही हूं एक इजी कैप्सिकम मसाला सब्जी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हमें चाहिए होगा 2 टमाटर, बारीक काट लिया है मैंने, 1 कैप्सिकम, 1 प्याज, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर, साबुत जीरा, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला और तेल। तो आइए अभी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है और अब उसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल के गरम होने पर हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। अब इसमें ऐड करेंगे हम कटा हुआ प्याज और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम और उसे भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसे कुछ देर ढकने छोड़ दें। थोड़ी देर अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मसाले जब अच्छे से भून जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को अच्छे से मिलाते हुए इसे कुछ देर के लिए ढक के छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं टमाटर थोड़ा मशी मशी टाइप का हो गया। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक और थोड़ा गरम मसाला। सब्जी को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे ढक के कम से कम लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 4 से 5 मिनट बाद अगर आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता ऐड कर सकते हैं। अब ये सब्जी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें और रोटी या राइस के साथ एंजॉय करें। आप इस सिंपल एंड क्विक रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।